अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपने बड़े बड़े उस्तादों के वीडियो देखे हैदराबाद में। आज हम आए एक बहुत ही अच्छा घर का रॉयल शौक देखने, सलमान भाई का शौक देखने। आज हम उनके घर पे आए, लेकिन घर पे जाने से पहले ही मैंने एक बकरी देखा जो छत पे आराम से घूम रही है। हम यहाँ पर आए उमर भाई के साथ, वो रन्स अकरम डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल। आइए उनसे बात करते हो, सलमान भाई का शौक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम फरीद आसिम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, अल्लाह करम है। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई का, जो कीमती वक्त में से थोड़ा थोड़ा टाइम सबके लिए एडजस्ट कर रहे हैं, खास अल्लाह का शुक्र हमारे लिए भी आए यहाँ पर। सो उमर भाई, एक को मैं बताया, जैसे कि लोग तो जानते हैं आपको जी, आपका चैनल है माशाल्लाह एंड काफ़ी प्यार मिल रहा है आपको लोगों का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सारे व्यूअर्स का, सारे सब्सक्राइबर्स का, जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं चैनल पर, और जो व्यूअर्स आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये सब आसिम भाई लोगों की जो मोहब्बत है ना, इसकी वजह से अपनी भी कोशिश बढ़ती है आगे बढ़ने की जी। जो मैं अदर स्टेट इतनी दूर दूर तक जाके जो कलेक्ट कर रहा हूँ वीडियोस, ये सिर्फ यही मोहब्बत के लिए। तो हम लोग ने उस्तादों के वीडियो बनाए हैदराबाद में जी, बड़े ट्रेडर्स के बनाए। बिल्कुल। तो आज जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन बताया, हमें एक बहुत ही अच्छा घरेलू शौक भी देखना ज़रूरी है जी। सो आज हम लोग कहाँ पर आए और किससे मिलने वाले हैं? आज हम आए हैं सब्ज़ी मंडी पर, और जो बिल्कुल बाखरी होटल ओल्ड सब्जी मंडी बोलते हैं इसको, ये कार्बन रोड से थोड़ा पहले आ जाए, और फरीद भाई के घर पे है अपन, जो फरीद पहलवान के नाम से भी मशहूर है, और उनके भाई है एक शन्ना भाई, उनका बकरा देखेंगे आज। बिल्कुल अदंत है, जस्ट अभी अंदर चल के देख लेंगे अपन उसकी क्वालिटी वगैरह क्या डिटेल्स है। एक बरबरा बकरा भी है यहाँ पर बहुत अच्छा, और कुछ शिप्स भी है, सारी डिटेल्स देखेंगे। तो ये सेलिंग नहीं करते, सिर्फ शौक है ना? सेलिंग नहीं करते, ये सिर्फ शौक है, तो आज सिर्फ शो क्वालिटी बतलाएंगे अपन। आइए चलते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो मैं बता दूँ दोस्तों, हमारे साथ में है सलमान भाई हु इज़ इन द टी शर्ट, और सुबान भाई जो शर्ट में, माशाल्लाह। कैसे हैं आप दोनों? सो माशाल्लाह, आपका शौक देखने के लिए हम लोग आए हैं। मेरे साथ खालिद भाई हैं, हमारे उमर भाई हैं माशाल्लाह। सो थोड़ा शौक़ के बारे में बात करेंगे, कब से आप लोग ये शौक़ कर रहे हैं बकरों का? बेसिकली ये अभी हमारे बड़े चाचा ताया जी शौक करते शौक, अभी हम लोगों को भी ये शौक हो गया जी। तो आप लोग जब छोटे रहने से आप बकरे देख ही रहे हो घर में? तो कौन सी नस्ल के बकरे ज़्यादा रखते थे अपने घर पे? कौन सी नस्ल के बकरे ज़्यादा हमारे लंबे कान वाले, बड़े कान वाले? तो ये बकरे के बारे में बताइए भाई, क्या डिटेल्स है? बहुत ही नायाब बकरा है दोस्तों, बकरा आपके सामने है। या खालिद भाई से बोलूँगा, खालिद भाई थोड़ी हेल्प भी करेंगे। खालिद भाई, क्या डिटेल्स लगती है आपको इसमें? माशाल्लाह से आसिम भाई, ये बकरा जो है ना, खूबसूरती में आ रहा, देखिए भरमार अबलख बोल सकते हैं अपन इसको जी। और इसके कान 18 इंच ऐसा लंबाई, और थिकनेस अच्छा है कान का माशाल्लाह जी, जो आप बोलते हो थिकनेस ज़रूरी है ना, मोटापा अच्छा है कान में, और चकलान भी मेरे हिसाब से 6.5-7 इंच चकलान है कान की, और यंग बच्चा है इसका, अदन बच्चा है माशाल्लाह। आप लोग लिए तो बहुत छोटा रहा होगा ये ना? जी अभी बहुत छोटा था, है ना? अच्छा सेट हो गया अपने पास। सो उमर भाई, जैसे आप भी बता रहे थे कि ये सेलेक्ट भी हुआ है, ये हमारी वन ऑफ द वेरी फेमस ब्रीड है जी, ये सेलेक्ट हुआ है कहीं पे, तो क्या है डिटेल्स उसके बारे में? आसिम भाई, ये तेलंगाना का पहला कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था जी, मोइनाबाद में जी, जहाँ मेला लगने वाला था, और सारे बकरों का और कुछ पेट्स का जैसे बफेलोस वगैरह है, तो उसका कंपटीशन मेला होने वाला था 26 फरवरी को, वो अभी पोस्टपोन हो गया, लेकिन उसके अंदर ये सिलेक्शन हो चुका है। तो जैसे फिर नई अपडेट डेट आएगी, वो अपने चैनल अकरम डेयरी फार्म पे मैं अपडेट करूँगा इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में उसकी फाइनल डेट भी आ जाएगी। तो वहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया है कॉम्पिटिशन के लिए, अदंत बच्चे के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई डॉक्टर्स को जी, तो इसीलिए वो टीम इसको सेलेक्ट कर ली है जी। आप लोग को काफ़ी प्राउड फील हुआ रहेगा है ना, आपका बकरा सेलेक्ट हुआ माशाल्लाह, खुशी की बात है हमारे लिए। कुछ नाम रखे हो इसका भाई? सुल्तान नाम है। सुल्तान नाम रखे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा देख के भाई, काफ़ी अच्छे फेस में जैसा आप देख पा रहे हैं, कान देख लीजिए। तो खालिद भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा वेट गेन कर रहा है जी, है ना आसिम भाई? वेट गेन भी अच्छा कर रहा है, और मैं समझता हूँ पंच भी बहुत आएगा इसको आगे चल के जी, बहुत चेहरा बनाएगा, चेहरे में और मोटापा आएगा, और पंच बहुत आएगा इसको। तो ये पहला बकरा था हमारे भाइयों का, इसके बाद क्या दिखाने वाले हो आप लोग? भाई
बरबरा बरबरा बकरा दिखाएंगे अभी। ठीक है आइए, आगरा लाइन बोलते हैं, हैदराबाद में आइए, वो बकरा देखते हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों आफ्टर हैदराबादी नाउ दिस इज़ अ टर्न फॉर बरबरी हिरन शाह बोल लो आप, यहाँ पर इसको आगरा ब्रीड भी कहते हैं माशाल्लाह। बहुत ही नायाब बरबरा, मुंबई में काफ़ी लोग पसंद करते हैं ब्रीड को और हैदराबाद में भी इसका काफ़ी चलन देख रहा हूँ मैं। सो भाई ये बकरा कब से है अपने पास? अच्छा जब ये छोटा था जब से लाए थे आप लोग, काफ़ी अच्छा वेट गेन किया मेरे हिसाब से, इसका वज़न 50 के तो ऊपर ही होगा आई थिंक। खालिद भाई से भी एक आइडिया लेंगे। बकरा देखें आप लोग, फुल खड़े कानों में है माशाल्लाह, पीछे घूमे हुए सिंह है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। आपको भी मारता क्या कभी कभी? सताता है, मस्ती करता है। बहुत अच्छे डॉट्स जो माने जाते हैं। ओ, क्या लुक दिया माशाल्लाह। इसका कोई नाम रखे हो? इसका नाम टाइगर है सर। टाइगर नाम है माशाल्लाह, सुल्तान टाइगर। सलमान खान के फैन लग रहे हैं आप लोग सर, उसकी पिक्चर के नाम रख रहे हो आप लोग। हाँ अब देखते हैं मेंढो का क्या नाम होएगा, करण अर्जुन होगा शायद। मज़ा आ गया भाई देख के बरबरा। इसमें से कोई भी बकरा फॉर सेल नहीं है, सिर्फ शौक के बकरे माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा शौक दिखा रहे हैं। हैदराबादी के बाद में अभी हमने बरबरा देखा माशाल्लाह। सो दोस्तों बरबरे में होपफुली आपको मज़ा आया होगा। बरबरे के बाद में हम लोग माशाल्लाह दो काफ़ी अच्छे मेंढे देख रहे हैं भाई। आप लोग बताइए इसकी डिटेल्स क्या है, पहले ब्लैक वाले से स्टार्ट करते हैं। रफ्तार है इसका नाम, रफ्तार बचपन से पाला हूं मैं माशाल्लाह। बहुत फास्ट भागता होगा, बहुत फास्ट, टक्कर में फास्ट है। ये रामपुरियों में ही है। हाँ। छोटे छोटे कान मिले हुए सिंह माशाल्लाह, और अभी ये अदन बच्चा है, छोटा बच्चा ही है। आपने इससे पहले मेंढा पाले थे कि मेंढा फर्स्ट टाइम पाले हो? मेंढी पाला था। अच्छा तो इनका एक्सपीरियंस है आपको कि कैसे ग्रोथ करते हैं, इनकी सिंह को कैसे संभालना होता है, सारी चीज़ें? सिंह उसकी जब सिंह नहीं जब इसकी सिंह थी तो मतलब सिंगा खिंचाया था उसके, खिंचाए थे उसके बाद बिच्छू का तेल लगाया था, तेल लगा के अच्छा। सिंगा वो करा। मैं इसमें काफ़ी मेहनत भी रहती है भाई, टाइम पे मालिश करता हूँ, टाइम पे खाना पीना। खाने पीने में वैसे क्या देते हैं आप लोग? उसको चुन्नी डालता हूँ मैं, तीन टाइम दूध पीता, कभी बादाम काजू खाता। अच्छा और ये चुन्नी वगैरह पर सेट हो जाते हैं भाई? हाँ माशाल्लाह। तो सलमान भाई इसके बारे में बताइए, वाइट वाले के बारे में। अभी इसका नाम तो बादल है, बादल क्योंकि वाइट है। हाँ वाइट है इसलिए बादल के रंग में बोल के मैं बादल नाम रखा। और अभी ये दूध के दाते है, अदन बच्चा है। हाँ अभी अदन बच्चा है, ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिया है। विलायती तो लेते ही हैं, रामपुरी है ना ये? रामपुरी है ये, फिर भी अच्छा ग्रोथ लिया है। खूबसूरती के लिए लिया बस मैं, शॉक करने के लिए, अभी पहले से ही पालता हूँ। खाने पीने में कैसा है? सुबह चुन्नी डालता हूँ, दिन में दूध और पत्ता, फिर रात में फिर चुन्नी। हाँ सुबह चने भी खिलाता हूँ। तो दूध आप लोगों को खुद पिलाना पड़ता है, जान जबरदस्ती के खुद पी लेता है? खुद पीते हैं, खुद पी लेते हैं। पीते हैं ओके। हाँ बस अभी थोड़ा खेल रहा है, ये खेलने के मूड में रहता है हमेशा, साथ साथ पीछे आता है मेरे माशाल्लाह। बहुत अच्छा शौक दिखाया आप लोगों ने आज, बहुत मज़ा आ गया। सो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आए, घर का शौक देखा, नायाब शौक देखा हमने। ये छोटी छोटी बातें काफ़ी मायने रखती हैं, जब बच्चे बकरे बकरियां मेंढे लाते हैं घर पे, उनका नाम रखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, उसके साथ साथ हमको पढ़ाई लिखाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। घर वाले फिर कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आपको जानवर का शौक करना है उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करो, अच्छे से आगे बढ़ो, ये दुआ करेंगे हम लोग। सो वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, हैदराबाद से एक और नायाब शौक के साथ में, मज़ा आ गया। ऐसे कई सारे वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। सो आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।